बस क्वेश्चन है कि सपोज एक बोट है, ठीक है, एक बोट में ये मैन है और ये लेक है, और ये बोट के अंदर मैन है और मैन बहुत सारे पत्थर लेके गया हुआ है, इसमें पत्थर भर के गया, ठीक है, और लेक का लेवल ग्राउंड से एच है, ठीक है। वो क्या करता है, लेक के अंदर जाके सारे स्टोन्स को लेक में फेंक देता है, सारे फेंक दिए उसने उठा उठा के। लेक का लेवल एच था, बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? कितने लोग बोलते हैं बढ़ेगा, कितने लोग बोलते हैं कम होगा, कितने लोग बोलते हैं सेम रहेगा, फर्क क्या पड़ता है? ओके, देखो जो तो सोच रहे हैं सेम रहेगा, वो ये सोच रहे हैं यार लेक भी वही, बोट भी वही, पानी के अंदर लेके गया बंदा, पत्थर अंदर पड़े हो या बाहर पड़े हो फर्क क्या पड़ रहा है, लेक को क्या फर्क पड़ रहा है, पत्थरों को अंदर रख दो या बाहर रख दो, इसलिए वो सोच रहे हैं कि सेम लेवल है। जो लोग सोच रहे हैं कि लेवल जो है वो बढ़ेगा, वो बचपन की कहानी याद कर रहे हैं, थर्स्टी क्रो, ये सुनाई गई थी, एक कौवा प्यासा था और वो पत्थर उठा उठा के पानी में फेंकता था, उसको प्यास लगी और पानी ऊपर आ गया, वो पानी पिया और उड़ गया। तो वो बता दूं, वो स्टोरी के अंदर ये नहीं कहा गया था कि क्रो जो है वो बोट में बैठा है और पत्थर उसके पास पड़े हैं और वो पानी के अंदर पत्थर फेंकता है, पत्थर ग्राउंड पे पड़े हैं और वो उस किसी भी वेसल में फेंकता है तो पानी ऊपर आ जाता है, वो कोई आर्क नहीं थोड़ा फॉलो करता है, वो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का कॉन्सेप्ट यूज करता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि लेवल गिरेगा, वो प्लीज अपने मन की बात बताएं, वो कैसे आंसर देते हैं इसका, क्योंकि मतलब वो मुझे बताएं कि वो कैसे सोचते हैं कि यार नीचे गिरेगा। डेंसिटी तो वो पहले भी, डेंसिटी में क्या फर्क है, पत्थर तो पत्थर है, वो यहां है और नीचे है, फर्क क्या पड़ रहा है? पॉइंट कह रहा है यार, सही है, आंसर सही दिया इसमें, बताता हूं, लेवल नीचे गिरेगा, इसका आंसर है लेवल जो है वो नीचे गिरेगा। सर देखो लेवल नीचे क्यों गिरेगा, ठीक, ये ध्यान से सीखना प्लीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो लेवल नीचे, इसका अगर आंसर देना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फिर से बनाता हूं। सपोज करो ये एक लेक है और ये बोट है और लेवल यहां तक है अभी, ठीक है, ये जो लेवल है वो मान लो यहां तक लेवल है, 10 मीटर का लेवल है सपोज, ध्यान आगे प्लीज। तो यहां पर अभी स्टोन्स कहां पर है, अभी स्टोन्स जो है वो अंदर है, ठीक है, यहां तक स्टोन्स तैर रहे हैं, चाहे बोट के भरोसे तैर रहे हैं, स्टोन्स तैर रहे हैं और लेवल जो है वो 10 मीटर का लेवल है। तो अगर मैं ये बोलूं कि स्टोन्स का वेट निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इंटू डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू जी, यही होगा इसका, तो जो वेट होगा वीरो जी। तो अगर मैं ये बोलूं कि स्टोन अभी तैर रहा है, स्टोन तो तैर रहा है बोट के सहारे, तो स्टोन अगर तैरता है, जैसे कि इसमें बोट में वो फ्लोट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज वो अपने जितना वेट ऑफ लिक्विड क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस। अगर वो फ्लोट कर रहा है, चाहे बोट के सहारे कर रहा है, बोट की आड़ में कर रहा है, तो अपने जितना वेट, जितना भी स्टोन का वेट है, उतना ही लिक्विड क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस, और वो लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रहा है वो लेवल बढ़ा रहा है। तो मान लो लेवल कितना बढ़ गया, 10 मीटर बढ़ गया, उसने उठा के सारे स्टोन्स को नीचे फेंक दिया। तो जब उसने स्टोन्स को नीचे फेंक दिया यहां गया, तो स्टोन्स डूब गए, स्टोन नहीं तैर पाए। इसका मतलब कि वो अपने वेट जितना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाए, पहले कर पा रहे थे, पहले यानी कि जो उनके ऊपर जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस था वो ज्यादा था, क्योंकि वो तैर रहे थे। अब वो जब डूब गए तो अपने जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो लेवल यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि जब ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो लेवल उठेगा, जब कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो लेवल गिरेगा। तो जब स्टोन्स पानी में चले गए तो अपने जितना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाए,
तो लेवल यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ, कम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो लेवल बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, सपोज 8 मीटर कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहले वो फ्लोट कर रहे हैं तो अपने जितना जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। जैसे उनका वेट मान लो लिक्विड, पहले केस में लिक्विड डिस्प्लेस 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का भार जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, जब वो डूब गए तो 10 न्यूटन जितना पानी डिस्प्लेस नहीं हो पाया, मान लो 8 न्यूटन हुआ, तो 8 न्यूटन का पानी तो कम ही होगा ना, ज्यादा कैसे होगा। तो इस केस में क्या होगा, लेवल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अगर वो तैर रहे हैं तो पूरा पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब डूब गए, डूबे क्यों, क्योंकि पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो पानी ऊपर नहीं आया, पानी नीचे रह गया, तो लेवल हमेशा गिरेगा। तो शॉर्टकट याद कर लो, आज के बाद कोई भी बोट में जाए, पत्थर लेके जाए और कोई ऐसी बॉडी को लेके जाए जो पानी में डूबती हो, तो पानी में डुबो दे, लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, लेवल हमेशा गिरेगा ही गिरेगा। ये कह रहे कि मास तो सेम है पत्थर का, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ओके, पहले क्या हो रहा था, जब वो बोट के अंदर है तो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा था mg, जब वो अंदर चला गया अपने वेट जितना डिस्प्लेस नहीं कर पाया, वॉल्यूम जितना कर पाया, मास और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो मास से कम ही होता है ना, क्योंकि मास से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसलिए वो डूब गया, वो नहीं कर पाया तो लेवल गिर गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ये कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहेगा कि मान लो एक लकड़ का प्लैंक है, या कोई भी वुडन प्लैंक है या कुछ भी है, ये तैर रहा है और इसके ऊपर एक क्वाइन पड़ा हुआ है, क्वाइन क्वाइन भी तैर रहा है इसके ऊपर, और ये कितनी डेप्थ इसकी लिक्विड में है, एल, और ये हाइट कितनी है, एच। क्वाइन को उठा के पानी में गिर दिया तो डूब गया क्वाइन, तो बताओ एल और एच का लेवल का क्या हुआ। देखो जब क्वाइन नीचे गिरा तो ये जो प्लैंक है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्योंकि बोझ हट गया ना क्वाइन का, तो ये प्लैंक थोड़ा ऊपर आ गया। ऊपर आने का मतलब एल क्या हो गया, डिक्रीज, एल कम हो गया। लेकिन और अभी क्या कराया, अभी ये चीज तैर रही है, चाहे इसके सारे तैर रही है, तो लेवल ज्यादा है। जब ये डूब जाएगी तो पानी डिस्प्लेस कम होगा, तो लेवल पानी का गिर जाएगा, तो एच भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो एल भी डिक्रीज और एच भी डिक्रीज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, एल और एच दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें डिक्रीज ही रहेंगे। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक कोई भी बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है, ये फ्लोट कर रही है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका वेट mg है, और ये ऊपर जाना चाहती है, पर आपने रस्सी से बांध दिया, तो ये ऊपर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि अपथ्रस्ट ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आपने क्या किया, इसको रस्सी से बांध दिया, और रस्सी टेंस हो गई, इसमें क्या आ गई, टेंशन आ गई, अब ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, और पानी की डेंसिटी इसमें रो है, तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो एक तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूं, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है, वेट, एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है, टी, और एक लग रहा है पानी का अपथ्रस्ट, तो ऊपर की फोर्स अपथ्रस्ट और नीचे की फोर्सेस mg और टी बैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम में, जा तो पानी जा ही नहीं पा रहा ऊपर, तो इक्विलिब्रियम में। क्लियर है यहां तक? तो यहां से अपथ्रस्ट क्या है, जीरो जी, अपथ्रस्ट इज जीरो जी, तो यहां से टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो टेंशन की वैल्यू आ गई, राइट, तो यहां पर टेंशन की वैल्यू आ गई। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनता है तो टेंशन इसको मिलेगी ना, फोर्स एंड फ्रिक्शन भूल गए, डायग्राम फोर्स एंड फ्रिक्शन में क्या किया था, ऐसे ही लेते थे, ऐसे बना लेते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे अरेंजमेंट को रेस्ट पे ना रखते हुए हमने क्या करवाया, लिफ्ट में डाल दिया, और लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब बताएं टेंशन क्या होगी। तो जितने लिफ्ट के केसेस हैं, मैंने हमेशा कहा सीधे मत सॉल्व करें, लिफ्ट के केस में सिर्फ पहले रेस्ट वाला केस सॉल्व करें और टेंशन निकाल लें। तो ये टेंशन है जब रेस्ट पे है, जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, जहां जहां आपको जी दिख रहा है वहां रिप्लेस करें जी प्लस आंसर, याद है लिफ्ट में जी प्लस ए आंसर। तो लिफ्ट का सीधा करने की बजाय यह सबसे बेस्ट तरीका है, पहले रेस्ट पे मान लें, लिफ्ट अगर मान लो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर तो जी प्लस ए, और अगर नीचे आ रही हो तो जी माइनस ए, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेशन जीरो, तो आंसर रिमेंस सेम। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? हमने रोटेशनल मोशन में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, ये उसकी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस आराम से देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज करो आपके पास ये एक लिक्विड का टैंक है,
पानी का टैंक है और ये एक वुडन प्लैंक है, वुडन वो स्टिक है कोई भी, अब लक्कड़ तो तैरती है, तो यहां पर इसको हिंज कर दिया, एक पेच लगाया, हिंज कर दिया, घूम सकती है, इट कैन रोटेट। अगर आप इस लक्कड़ को नीचे जबरदस्ती पानी के नीचे ले जाओगे तो पानी क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट, और ये फिर से खड़ी हो जाएगी। अगर डेंसिटी पानी की ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उतनी ऊपर चली जाएगी, ये अपथ्रस्ट उतना ही ज्यादा लगेगा, कम होगी तो नीचे, बिल्कुल कम होगी तो और नीचे, मतलब ठीक है कि ऐसा था। और ऊपर से आपने कोने पे एक और वेट भी लगा दिया इसका, तो अब ये थीटा एंगल पे रुक गई, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो ये रोटेट नहीं कर पा रही, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। ठीक है यहां तक? तो क्वेश्चन ये है, इस जो रॉड है इसका वेट है, इसकी लेंथ है 6 मीटर, जो रॉड है उसकी लेंथ है यहां से यहां तक 6 मीटर की लेंथ है, 5 मीटर ये पानी के अंदर है, 6 मीटर की लेंथ है पर 5 मीटर डूबी हुई है पानी में। रॉड मास, मास ऑफ रॉड कितना है, 12 केजी का मास है, और रिलेटिव डेंसिटी रॉड की गिवन है, तो यहां से डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ रॉड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर से की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ रॉड कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको क्या निकालना है, एक नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और वेट निकालना है, इसमें क्या होगा। तो रूल नंबर 1, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी पहले ये डिसाइड कर लो, इसमें लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ये रॉड है, इसका वेट W यहां एक्ट कर रहा है, एक इसका रॉड का खुद का वेट होगा कितना, 12 g mg, यानी कि 12 g, तो 12 g वेट नीचे है, W नीचे है, और एक क्या करेगा, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट क्या करेगा, ऊपर, और एक करेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन R कहां करेगा, वो भी ऊपर। क्लियर है यहां तक? तो ये इनकी फोर्सेस है। अब कौन कौन सी फोर्स कहां लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन तो कोने पे लगेगा जो निकालना है, वेट तो यही लगेगा, और ये जो 12 केजी का वेट है वो रॉड के सेंटर पे लगेगा, रॉड का सेंटर का मतलब 6 मीटर की रॉड है तो कितने मीटर पे लगेगा, 3 मीटर। क्या है पॉइंट, क्लियर है, 3 मीटर पे लगेगा। और अप थ्रस्ट कहां लगेगा, ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने सिखाया नहीं अभी तक, ये पहला पॉइंट है। जो अप थ्रस्ट है वो सेंटर ऑफ रॉड पे लगेगा, लेकिन रॉड कौन सी कंसिडर करेगा अप थ्रस्ट, जितना पानी में, देखो पानी को पानी उतनी रॉड से मतलब है जो पानी के नीचे है, पानी के ऊपर कितनी चलेगी रॉड को मतलब, तो पानी के नीचे कितने मीटर है, 5 मीटर, तो अप थ्रस्ट कितने मीटर पे लगेगा, 2.5 मीटर। वेट लगेगा 3 मीटर पे, वेट नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं देखता कि पानी में कि हवा में, वो तो वेट सेंटर पे लगेगा 6 मीटर के आगे 3 मीटर पे, पर अप थ्रस्ट कहां लगेगा, जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर कितने मीटर है, 5 मीटर के मिड पॉइंट पे अप थ्रस्ट लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक? तो अब इस केस में अगर हम यहां पर एक फोर्स लगाएं अप थ्रस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, ये रहा, और ये 6 मीटर है, और वेट 12 g यहां पे लगेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ये बनेगा, ये 3 मीटर है 12 g, ये 2.5 मीटर है, अप थ्रस्ट है, तो ये इक्विलिब्रियम में, तो रूल नंबर 1 इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, अपवर्ड फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, तो ऊपर की नेट फोर्स कितनी है, यू और नीचे और आर, यू और आर ऊपर है, 12 g और W नीचे है, तो पहली इक्वेशन R और U इज इक्वल टू 12 g प्लस W, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको क्या करना होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट फिक्स करना है, इसके अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, फोर्सेज टॉर्क लगाएंगी, R क्या टॉर्क लगाएगा, 0, क्योंकि R खुद किस पे एक्ट कर रहा है, एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, तो लगाएगी नहीं टॉर्क। अप थ्रस्ट कितना टॉर्क लगाएगा, अप थ्रस्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो अगर ये 2.5 और ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 साइन थीटा, तो अप थ्रस्ट का टॉर्क क्या होगा, यू इनटू 2.5 साइन थीटा। उसी तरीके से वेट कितना टॉर्क लगाएगा, 12 g कितना लगाएगा, क्योंकि ये 3 मीटर है, तो यहां पर क्या आएगा, ये 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा यहां से, अगर ये 3 मीटर है ये थीटा, तो 3 sin थीटा, यानी कि 12 g इंटू 3 sin थीटा, और ऐसे ही ये W कितना टॉर्क लगाएगा, W इंटू दिस डिस्टेंस, अब क्योंकि ये 6 मीटर की लेंथ है, तो ये क्या होगा, 6 sin थीटा, तो W का टॉर्क क्या होगा, W इंटू 6 sin थीटा। समझ में आ रहा है टॉर्क कैसे निकलेंगे, और हमने क्या किया था, रॉड के ऊपर की फोर्सेस का टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रॉड के नीचे की फोर्सेस का टॉर्क, तो रॉड के नीचे कौन कौन सी फोर्सेस है, 12 g और W, तो ये देखो 12 g और W का टॉर्क, और रॉड के ऊपर कौन सी, आर का तो टॉर्क नहीं है,
तो यू का जो टॉर्क है इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशंस कैलकुलेशंस बड़ी हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा। नॉर्मल तो नहीं आता क्वेश्चन, बट हाँ ये है कि एक कॉन्सेप्ट अगर छोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता है आपको क्या करना है इसमें। ठीक, इसके अंदर ये एक क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस करेंगे। आर्कमिडीज के ऊपर ये कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा गया है, आप सोचें इसका आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, लिक्विड है, और एक पत्थर बांध रखा है जिसका वेट डब्ल्यू आर, वॉल्यूम वी है, और धागे से बांध के रखा हुआ है, यानी कि स्टोन लिक्विड में है, हवा में नहीं है, बांध दिया। अब नीचे एक वेइंग मशीन लगा दी, नीचे एक वेइंग मशीन लगा दी, आपको यह बताना है कि वेइंग मशीन कितना वे करेगा, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। वेइंग मशीन क्या तोलता है, वेट किसका तोलेगा, पानी का, और क्या पत्थर का भी, कि पत्थर का हाँ या ना, पत्थर का वेट मैटर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, यही तो बात है। तो ऑब्जेक्टिव में W मैटर नहीं कर रहा, क्यों, पत्थर जितना भारी होगा वो सारा जोर किस पे लगा रहा है, धागे पे। वेइंग मशीन तो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। आप लिफ्ट के केसेस याद करो, अगर आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है, आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो आपका वेट क्या है, mg, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, n, तो n इक्वल टू mg। लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो n क्या होता है, m into g माइनस a। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। आप जब खड़ जाते हैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हैं, वही आंसर है। तो इसका मतलब जो भी यहां ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन मान लो यहां पर एन है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे निकालना है। इसके अंदर पानी का खुद का वेट भी तो होगा mg, तो इसमें पानी का खुद का वेट mg तो होगा ही होगा। तो एक फोर्स है इसमें पानी का खुद का वेट, एक है इसमें नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा W इसमें मैटर नहीं करेगा क्योंकि W सारा भार किस पे लगा रहा है, स्ट्रिंग पे, पर हमें तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे फ्लोर पे देखना है कितना है। एक ये नया कॉन्सेप्ट है, मतलब आता है आपको लेकिन आपने ऐसे कभी सोचा नहीं कि अगर ये हवा में लटक रहा है वेट, हाँ जब मैं ये बोलता हूँ कि वेट मैटर नहीं करता तो लोग सोचते हैं हटाई दो ना इसे, जरूरत क्या है, नहीं इसकी जरूरत है, ये वेइंग मशीन के वेट को चेंज कर रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कैसे, जब आपने इसको पानी में लटका दिया तो पानी ने इसको क्या लगाया, अप थ्रस्ट, तो ये अप थ्रस्ट यू किस पे लगा, बॉडी पे लगा, तो बदले में बॉडी ने पानी पे क्या लगाया, अप थ्रस्ट। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, भाई ऐसे कैसे होगा, पानी तो लगाएगा अप थ्रस्ट और बॉडी लगाएगी अप थ्रस्ट। तो ये अजीब लगा, अजीब क्यों लगा, क्योंकि ऐसा कभी किया ही नहीं। आर्कमिडीज में सिखाया गया एक बॉडी तैर रही है, पानी ने अब थ्रस्ट लगाया, बात खत्म। ये ठीक वैसी सिचुएशन है जैसे जब मैं फ्रिक्शन करवाता था ना, तो हम कहते हैं बॉडी आगे जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी पे कहां एक्ट कर रही है, पीछे। लेकिन रियलिटी होती है कि बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे है, ग्राउंड पे आगे, वो अलग बात है कि ग्राउंड को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ग्राउंड की फ्रिक्शन लेते ही नहीं। पर जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स तो लगाएगी, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा, इसलिए आज तक फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आर्कमिडीज प्रिंसिपल में सारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ बॉडी पे होता है, बॉडी के तैरने पे होता है, पानी ने अब थ्रस्ट लगाया। यहां पर क्वेश्चन बॉडी के तैरने पे है ही नहीं, यहां पर क्वेश्चन है कि फ्लोर पे क्या फोर्स लगी। क्लियर है, मतलब ये तो वही सिचुएशन है, आप पूल में स्विमिंग पूल में कूद जाओ, स्विमिंग पूल आपके ऊपर अब थ्रस्ट लगाएगा, ये बातें हो रही हैं, आप भी तो लगाओगे, वो अलग बात है, पूल को फर्क क्या पड़ता है, लगाते रहो, ग्राउंड ही तो है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोर पे क्या मेजर कर लोगे, कुछ भी नहीं, पर लेकिन आप भी लगाते हो, नाम चेंज करना है, रिएक्शन की फोर्स है। चलो तो पानी ने इसके ऊपर यू लगाया तो बदले में इसने भी पानी के ऊपर रिएक्शन लगाया जिसकी वैल्यू यू के इक्वल है, ठीक है, तो यू लगाया, ठीक है यहां तक। अब डाउन थ्रस्ट तो कर नहीं सकता तो रिएक्शन फोर्स बोल देता हूं। तो अब एक बात बताओ,
पहला रीजन, या पहला अगर मैं ये पूछूं कि डाउनवर्ड फोर्स अब कितनी एक्ट कर रही है, या फ्लोर के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, अगर कॉमन सेंस से करना है तो पानी का वेट mg नीचे की तरफ है और पानी को जो फोर्स मिली इस ब्लॉक से कितनी, u, तो mg प्लस u, और u क्या होता है, जीरो जी आंसर। लेकिन ऐसे की बजाय आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो, एक ही बात है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे, क्योंकि पानी जो है रेस्ट पे है, फ्लोर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक वेट पानी का mg और दूसरा क्या अपथर्स्ट u, mg भी नीचे है u भी नीचे है, mg भी नीचे है u भी नीचे है पर n ऊपर है, तो इस केस में क्या लगेगा, mg प्लस u इज इक्वल टू n, ऐसे करना है तो n ऐसे निकाल लो, नहीं तो ये तो आप कर ही चुके, mg और u को ऐड कर दो वैसे ही आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, तो नेट वेट आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है यहां तक। तो जब फ्लोर के ऊपर रिएक्शन निकलेंगे तो बदले का रिएक्शन जो फोर्स है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक।